तरह के हर एक मुद्दे पर हम आपके सामने बात रखते हैं। इस बीच मेरे साथ सचिन उत्तेकर भी हैं और राजेश पालविया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज ही आज में 16,000 टूट जाएगा, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। 16,200 तोड़ने के बाद जो फ्रिक्वेंसी है नीचे आने की, वो बहुत फास्ट है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए, 16,200 जिस तरीके से हमने रिक्लेम किया था वापस, अब यहाँ से टूटते हुए दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट तो 16,000 के आसपास से हमें लगता है, जिस इंटेंसिटी से सेलिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हो सकता है हम 16,000 के काफी नजदीक तक भी आज के सेशन में जाते हुए दिखे। और वहां पे अब यहाँ पे जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग जो बना, निफ्टी तो हालांकि वीक जोन में मॉर्निंग से ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी का जो प्रेशर यहाँ पे माउंट हो रहा है, हमें लगता है कि उसके चलते बैंक निफ्टी भी अब यहाँ पे फिसलते हुए दिखेगी। तो 16,000 नेक्स्ट सपोर्ट है वहां पे, हमें लगता है कि आज के सेशन में तो एटलीस्ट वो लेवल होल्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी भी वहाँ पे डेटा देखे तो अभी हमें लगता है कि ये सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। हम एक्सपायरी के काफी नजदीक पहुंचे हैं। 16,200 इम्पोर्टेंट लेवल था, उसके नीचे का जो लेवल है वो 16,000 है, और वहां पे हमें लगता है एक सपोर्ट बैंक वापस से इमर्ज होते हुए दिखेगी। बट सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी में जिस तरीके से वीकनेस यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख रही, ये एक थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर रहेगा आज के सेशन के लिए। अगर 34,000 के लेवल को हम बैंक निफ्टी में तोड़ते हैं, तो फिर हमें लगता है कि एक सीरियस सेलिंग यहाँ पे मार्केट में आते हुए दिख सकती है, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 34,000 काफी इंपॉर्टेंट बेस है बैंक निफ्टी का, और ऑलमोस्ट हम अब 100-150 पॉइंट की दूरी पे ही है उस लेवल से। तो वो एक चैलेंजिंग लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर वो लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, तो हमें लगता है कि दोनों ही इंडाइसेस में फिर एक फर्दर फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग भी आते हुए दिख सकता है। तो 16,000 और 34,000, ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें क्लोजली वॉच करें। राजेश कुश और सच्चिदानंद कुश आपके पास आएंगे। एक सडन गिरावट आई है लास्ट आधे घंटे में, कुछ फ्रेश शॉर्ट्स हुए हैं। मैं देख रहा था यूएस फ्यूचर्स भी शायद घूम गए हैं। यस, यूएस फ्यूचर्स भी घूम गए हैं ऊपर से। आप लेवल्स क्या देख रहे हैं, आप इस आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं शॉर्ट साइड पे, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताएं यहाँ से कुश। जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो फॉल है, मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ इससे, बिकॉज ये मार्केट 16,000 और 16,400 की जो रेंज है ना, उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करके चल रहा है। तो जब तक वो रेंज होल्ड होती है, तब तक मैं यू नो 15,800 का स्टॉप लॉस लगा के इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही व्यू करूंगा। नॉट जस्ट येट, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, हल्का सा बाउंस आने दीजिए तब, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूं, बिकॉज हमने एक यू नो रेजिस्टेंस देखा है 16,400 के जोन्स में। यही यू नो प्ले आउट होते हुए हमें यहाँ भी यू नो निफ्टी पे दिख रहा है। सेम थिंग इज प्लेइंग आउट ऑन द निफ्टी ऑन द डाउन साइड। 16,000 का जो जोन है, वहां पे हम वापस आ रहे हैं, मार्केट से यहाँ सेटल होते हैं एक बाइंग।